आपने अभी तक कई अलग अलग शादी होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि 7 बेटियों की शादी पौधे के संग की कर दी गई है? जी हाँ, ये आपको बता दें कि इन बेटियों की शादी पौधों के साथ कर दी गई है। वहीं पूरे विधि विधान के साथ गांव के पंचों की उपस्थिति में दुल्हनें सिंदूर दान करती हैं, पौधे को 3 बार सिंदूर लगाती हैं, यही नहीं पौधे के इर्द गिर्द 3 बार फेरे भी लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पौधे संग दुल्हन की शादी का गवाह पूरा गांव बनता है। जिस पौधे से दुल्हन शादी करती है वह उसका फल जीवन में कभी नहीं खाती और ना ही उसकी टहनियां तोड़ती हैं। इतना ही नहीं, दुल्हन व उसके घर वाले अपने इस जमाई पौधे की जीवन भर देखभाल करने का जिम्मा भी उठाते हैं। इस अनोखी परंपरा को देखकर लोग काफी हैरान होते हैं। झारखंड के सांताल आदिवासी इस परंपरा को आज भी उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं जितनी पहले निभाते थे। संताली में इस शादी को मातकोम बापला के नाम से जाना जाता है। मातकोम का शाब्दिक अर्थ हुआ महुआ व बापाल का अर्थ है। इसे मातकोम बापला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लकड़ी की शादी आमतौर पर मातकोम यानी महुआ के पौधों के साथ कराई जाती है। लड़के से शादी से 2-3 घंटे पहले पौधों की शादी कराई जाती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।